हो सकता है कि शायद किसी और पार्टी को भी टिकट मिल जाए इस समय, उस समय आपकी क्या क्या? देखिए, ये तो निर्णय हमारे नेता पर निर्भर करता है ना, हमारे नेता नेतृत्व करता है, वही हमारा जो भी बातें हैं वो रखते हैं और हमारे लिए सोचते हैं, और जो हमारे नेता निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। जदयू को यह सीट नहीं मिलती है तो आप एकजुट रहेंगे? अब आप ऐसा फैसला क्यों निगेटिव आप बोलते हैं हमेशा, क्यों नहीं मिलेगा जदयू के? हमको तो जो उम्मीद है कि हमारे कोई भी वर्तमान का टिकट नहीं कटेगा, बाकी समय बताएगा। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। प्रखंड स्तर पर जदयू को मजबूत करने की बात की जा रही है, आप इसमें शामिल हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, जनता दल यू परिवार जब भी विषम परिस्थितियाँ आई हैं, सभी लोग एक साथ होकर, भले हम बोलते नहीं हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर नहीं लगाते हैं, जब जरूरत होती है तो जनता दल यू परिवार का हर एक कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से एकत्रित होकर और उस कार्य को निभाने का कार्य करता है, संगठन को मजबूत करने का कार्य करता है। आज जनता दल यू का सिवान सदर में, प्रखंड में उनका जनता दल यू का बैठक था, और इसमें हमारे प्रभारी के रूप में, सिवान विधानसभा के प्रभारी के रूप में श्री अरविंद सिंह छोटू सिंह जी आए हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष श्री चंद्रकुतु सिंह जी के नेतृत्व में हमारा सिवान जनता दल यू मजबूत हो रहा है, और आगे हमारा जो भी कार्य होगा पूरे मजबूती ढंग से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। इस बार ऐसा लगता है कि गठबंधन में जो जो नई पार्टियां आई हैं, हो सकता है कि शायद किसी और पार्टी को भी टिकट मिल जाए इस समय, उस समय आपकी क्या क्या? देखिए, ये तो निर्णय हमारे नेता पर निर्भर करता है ना, हमारे नेता नेतृत्व करता है, वही हमारा जो भी बातें हैं वो रखते हैं और हमारे लिए सोचते हैं, और जो हमारे नेता निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। जी का लोग ने संकल्प ले लिया, और आने वाले समय में आप भी देख रहे होंगे, आप ही के मीडिया से लोग देख रहा है कि बेचैनी हो गया है बाकी पार्टी के लोग। देखिए, ये तो निर्णय लेना किनको क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों कौन नहीं आए, ये काम मेरा नहीं है। मेरी हैसियत है कि सिवान के प्रभारी के नाते सिवान विधानसभा को हर घर तक नीतीश कुमार जी का संदेश, और हर बूथ पे मेरा 5 यूथ। हाँ, अब जैसे आप आए हैं, बहुत लोग मीडिया के भी नहीं आए, तो क्या कीजिए? अरे, वही लोग आएगा, ओबीसी नहीं आए, जनता जान नहीं रही है ओबीसी को कौन पैदा किया, आपसे छिपा हुआ है, सब कुछ मत खोलवाइए, समय पे पता चल जाएगा। सब अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग बातें होती है। लोकसभा में क्या, ये लोकसभा में 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है। सिवान में लड़ेंगे? लड़ेंगे, सिवान में हम सांसद हैं। जो वर्तमान में उपस्थिति है महागठबंधन, यही तो मीडिया, यही तो काम है बीजेपी वाले का, ये नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेगी, उसको टिकट कटेगा, ये सब भूल जाइए। सर, एक सवाल है, 49 सीटें, समय आएगा आपको पता चल जाएगा कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन ये किसी का अफवाह पे मत रहिए। सरकार के जो विकास का जो आपके पास जो है डाटा है, जैसे बता रहे हैं शिक्षा है, स्वास्थ्य, रोजगार है, उस पर बात होनी चाहिए। हाँ। और ये तमाम जिला वासियों तक एक संदेश जाए कि बिहार सरकार जो सुशासन की बात करती है, विकास की बात करती है, ऐसे में आपको लगता है कि सर जो आप लोग कर्म कर रहे हैं उसको पूरा जिला तक लेकर पहुँचेगा, गाँव गाँव तक? आप देख लीजिएगा ना, अभी 10 दिन के अंदर, और आप ये सोचिए सिवान में ही नहीं, रघुनाथपुर में चले जाइए, बगल में बढ़हरिया चले जाइए, आर जी देख रहे हैं अध्यक्ष के बेचैनी होइल है, मीडिया में बाइट देने का समय नहीं है, नीचे भोजन के लिए फोन आ रहा है, जाने का समय नहीं है, अभी जदयू नहीं है, काम करे कोई, नाम ले कोई, अब जो काम करेगा उसी का नाम होगा, जिसका नाम है श्री नीतीश कुमार। बढ़िया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह कह रहे थे कि जदयू में कि सिटिंग एमपी का भी टिकट कट सकते हैं। कौन है श्याम बहादुर सिंह, आप जानते हैं उनको? विधायक है तब, जब विधायक थे तब, आज इनको कोई नाम लेने वाला है क्या? देखिए, जो पार्टी के हैं कि नहीं हम नहीं जानते, हमारे पार्टी में अगर जो हमारे नेता के खिलाफ बोलेगा वो कोई मेरे पार्टी में नहीं है, हमारे पार्टी में वही है जो सिर्फ नीतीश कुमार और श्री ललन सिंह करे।
अरे सर, वर्तमान परिस्थिति में महागठबंधन में जितने भी नए दल जुटे हैं उसमें इस बात को लेकर चर्चा है सिवान, क्योंकि जनता हमसे पूछती है, हमारा काम है प्रभारी महोदय से पूछना, उनको लगता है कि शायद इस बार जदयू यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी न हो पाए, बस यही सवाल। देखिए ये जो भविष्यवाणी करते हैं, पटना विमेंस कॉलेज के सामने भी तोता लेके वो बूढ़ा बैठे रहते हैं 20 साल से, आ कितना के पैसा ले लिए, को भविष्यवाणी सही नहीं हुआ, तो वही कोई तोता लेके बैठल होगा यहाँ। ये निर्णय लेना न लेना हम अस्वस्थ, देखिए ये तो समय बताएगा ना कौन कहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा, अभी मेरी सांसद है, सांसद समय पे बता दिया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, कौन कहाँ लड़ेगा ये सब फैसला अभी नहीं हुआ है, ये सब फैसला हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता का है। हम झूठ मूठ के बोल दें? हम लोग झूठ नहीं बोलते, हमारे पार्टी में पहले और अब में बहुत अंतर है। इस मीटिंग से कितने अस्वस्थ है जो आपने? तो आप खुश हो गए होंगे देख के, ऐसा मीटिंग भी हुआ था क्या कभी आज तक? ये तो पारिवारिक बैठक। मैं अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ और अपने नेता को बधाई देता हूँ कि हमारे मीटिंग जब 6 बजे सुबह से हमको फोन किया जा रहा है कहाँ पहुँचे, मीटिंग कब चालू हुआ, समय बदल गया, अब आप ही लोग बढ़ा ये सब सिस्टम करा दिए। अरे एक अंतिम सवाल ही हो सकता है, मान लीजिए जदयू को यह सीट नहीं मिलती है तो आप एकजुट रहेंगे? अब आप ऐसा फैसला क्यों निगेटिव आप बोलते हैं हमेशा, क्यों नहीं मिलेगा जदयू के? हमको तो जो उम्मीद है कि हमारे कोई भी वर्तमान का टिकट नहीं कटेगा, बाकी समय बताएगा। हमारे साथ है जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी, दूसरी बार बागडोर सौंपी गई है विश्वास और भरोसे के साथ। सर कितनी उम्मीद है, किस तरह देखते हैं? पूरे विधानसभा में प्रभारी महोदय भी हमारे साथ थे, आप भी हैं, और इस पर इस मीटिंग को कितना सफल मानते हैं? देखिए आज की जो बैठक हुई है काफ़ी सफल बैठक है, और हम लोग ये जो बैठक कर रहे हैं ये परिवार के सदस्यों की बैठक है, अपने परिवार के जो सारे सदस्य हम बुला के बातचीत की, क्योंकि हमको बूथ स्तर तक पहुंचना है, सारी बूथ हमें मजबूत करना है, उसके बाद हम लोग फिर कोई रणनीति तय करेंगे। आपने तो वर्तमान और इस परिस्थिति को, पूर्व की परिस्थिति को भी देखा है और वर्तमान परिस्थिति को भी देख रहे हैं, जदयू को कितना सफल मानते हैं? देखिए मैं ऐसा अध्यक्ष हूँ कि बड़ी संयमित होकर काम करता हूँ, किया था, कर रहा हूँ और करूँगा भी निश्चित। चलिए।